माण्हू सभिन सुहिणा, पखी सभिन हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बुअ बहार जी। असां लेकिन नाज़रीन, मां समर निज़ाम अवां सां गॾु हाज़िर आहियां ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। हितां ख़बर आहे त 27 डिसंबर आहे ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद राणी जी बरसी आहे, 11 बरसी आहे जेका अॼु असां हिते वेठा आहियूं। मल्हाए त नथा चई सघूं छो जो इहे उहे ॾुख जूं घड़ियूं आहिनि जो उन वक़्त में असां बि गुज़ारियो आहे उहो वक़्तु। ऐं बींग अ वुमन, अगरि मां औरत जी ॻाल्हि कयां त उहा हिकु वाहिद लीडर हुई जंहिंजे लाइ ईअं चई सघूं था त पूरी दुनिया में पूरी जेके बि असांजी यंग नौजवान असांजी क़्यादत आहे उहा उन्हनि खे अॼु बि फॉलो कंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी आइडियल रहियूं आहिनि हमेशह। पर्सनली मुंहिंजी बि तमामु घणियूं आइडियल हुयूं। उन टाइम बि असांखे तमामु घणो ॾुखु थियो ऐं अॼु बि असां हिते वेठा आहियूं त ज़ाहिर आहे ॾुख जे हुन में वेठा आहियूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, असां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदासीं त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाहिद लीडर हुयूं जंहिं असांजी पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो नालो पॉज़िटिव ज़ाहिर कयो। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर बि रही चुकियूं ऐं बींग अ वुमन तव्हांखे ॾिठो आहे त पूरी दुनिया में औरतुनि खे तमामु घटि लेवल ॾिनी वेंदी आहे ऐं पाकिस्तान लाइ इहो चयो वेंदो आहे त हिते औरतुनि खे एतिरी आज़ादी कोन्हे। पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबित कयो त ईअं नाहे, पाकिस्तान जी औरत स्ट्रॉन्ग आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हुनखे रस्तो ऐं हुनखे हिमत ॾिनी वञे ऐं तव्हां ॾिठो अॼु असां सभु हुते मौजूदु आहियूं। ऐं तव्हांखे ॿुधायो नाज़रीन त मूंसां गॾु जेके मुंहिंजा को एंकर मौजूदु आहिनि, अली रज़ा साहबु। जी अली रज़ा, वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अॼोके ॾियारे ते आवाज़ न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन सां गॾु मां अली रज़ा मंगी तव्हां सां गॾु आहियां। जीअं समर ॻाल्हि कई त वाकई अॼोको ॾियारो जेको आहे उहो वॾो सबक़ु ॾिए थो। 27 डिसंबर 2007 ईअं चऊं त ॼण त पाकिस्तान जे अवाम जे उमेदुनि जे ऊंदाहीअ जो ॾींहुं हो, छाकाणि त पाकिस्तान जे अवाम खे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे पाकिस्तान अचण खां पोइ हिकु उमेद जाॻी हुई जेका 27 डिसंबर 2007 ते उहा उमेद अधूरी रहिजी वई। अॼु असां जेका आवाज़ न्यूज़ जी ख़ासि ट्रांसमिशन हलाए रहिया आहियूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी अॼु 11 वर्सी मल्हाई पई वञे ऐं स्टूडियो में असां सां मौजूदु आहिनि सीनियर सियासतदान ज़ैन अंसारी साहबु आहिनि, नईम ऐवान साहबु आहिनि, मुसरत नियाज़ी साहिबु आहे ऐं सीनियर सहाफ़ी साईं शेर मोहम्मद ख्वार साहबु आहिनि। तव्हां सभिनी खे भली कार चऊं था। अच्छा सरदार ज़ैन साहब, जीअं अगरि असां तव्हां खां शुरूआत कयूं त तव्हां त ॾाढे शुरूआती दौर खां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सां रहिया आहियो ऐं असां चवंदासीं त हिन मौक़े ते असां कुझु हुननि जूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधूं जीअं तव्हां असां सां बि कुझु शेयर कयो, ARD MRD जो ज़मानो, त उन बारे में तव्हांजो छा तासुरात आहिनि त उन दौर में, टफ दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केतिरियूं दिलेर लीडर हुयूं? शाह साहब जो शेर आहे त अॼु हिन उताकुल में जे जीअ खे जीआरी से लाहू थी लॾे वियो। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबु आहे हिकिड़ी एशिया जी लीडर हुई ऐं जेका हुनजी तरबियत थी हुई उन तरबियत में ॿ पहलू हुया। हिकु त वॾो ख़ुशीअ जो पहलू हुयो, पावर जो पहलू हुयो, संदस वालिद जेको हुयो प्राइम मिनिस्टर हो। ऐं मां ॾिठो त काफ़ी जॻहियुनि ते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हुनखे पाण सां गॾु वठी वेंदा हुआ। नंढे हूंदे खां वठी हुनजी तरबियत हली, हुन वेझो इक़्तदार खे ॾिठो त मुंहिंजो डैडी कीअं थो हुन इक़्तदार खे हलाए, छा थो थिए, कंहिं कंहिं सां थो ॻाल्हाए। यानी जेके हले असांजा इंडिया में फ़ौजी जेके सिलेंडर कयो हुजनि फ़ौजी, जॾहिं उनखे भुट्टो साहिबु छॾाइण लाइ वियो त बि बेनज़ीर साहिबु गॾु हुई। त जेके टॉक थियनि पिया, जेको सिस्टम हले पियो, उहो सॼो सिस्टम हुनजे अखियुनि में अॻियां पियो हले। ऐं भुट्टे साहिब जो जेको असरु, घणो असरु, सियासी असरु जेको हुयो उहो हुनखे एक्सेप्ट कंदी हुई ऐं उन ते हलण जी कोशिशि कंदी हुई। वरी ॿियो तकलीफ़ ईंदो ॾिसो, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टे खे फांसी ॾिनी वई, सॼो मुल्क खे जाम कयो वियो ऐं उहो बि मोहतरमा जे अॻियां हुयो। यानी ख़ुशी बि ॾिठई, ग़म जा जा जेके वक़्त बि हुन ॾिठा। वरी उन खां बाद में वरी जेलनि जी अकूबतूं ॾिठई। जेल में हिकिड़ो वॾो प्रोफेसर आहे, जेल में वेहण में माण्हू उन ॿियो त कमु हूंदो कोन्हे, सिर्फ़ु किताबनि सां जहिड़ो हूंदो अथसि किताब पढ़ंदो आहे ऐं सोचींदो आहे, थॉट हुनजे दिमाग़ में ईंदा आहिनि। बेनज़ीर साहिबु ॿी का बेनज़ीर नथी थी सघे,
बेशक अड़ा गाल दिमाग में अचन थे वही बुझाव तो दुबई वायम के दोस्तन दे मां जो मतों तो ठपो लगल है मुस्लिम लीग नून जो तो उत मुस्लिम लीग की मुझा उत मेजबान हुआ उनको उन दोस्त पीपल्स पार्टी जो दोस्त वाली हुआ उन मुझे तारुफ थो उन सही तो एआर डी सिंध जो सदर है मुझे माँ चाहे उ अंसारी है उनके एआर डी सदर है सिंध जो मजो चे बीबी का छोन था मिलो मुख्य खबर ना है उन फोन नंबर दुबई जहा न कहीं उन मुलाकात थी पे तो जैसे तक टाइम वी दें तो मुख्य वो एजाज हों वो सुबह जो दहें बजे मुख्य फोन किया तो बीबी साहब वहाँ के बारह बजे सद है मोट गाड़ी को कंगल रह पे टैक्सी हों तो गाड़ी आ तो खड़ी वन कि अचान तो बहरहाल कसा को बारह बजे पहतो ड्राइंग रूम में वेठुम बारह बजे मां सोचुम तो देर से इंदी साढ़े बारह इंदी सवा बारह अचे पर इंतजार करो आयो आया कदस वेठो वही छह छह से वही मुलाकात थे तुम यकीन कर बारह बजे बिन मिनटन से बीबी अंदर हली अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहिब मैं उठी बैठो मैं हैरान रहम तो यार यो मुझे दिमाग में खाको हो तो इंतजार करो पवो बीबी साहब अलग नवाज कसे हैं ठीक है बीबी और मैं आपसे बड़ी खुश हूँ मुख्य तस्वीर ही खोलो तो बीबी को असो प्रोग्राम ऐसी हुई टीवी से जो असा कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते मुस्त होंगी असा गुड होंगी सब पीपल्स पार्टी टोलो होंद जैमें उस दिन बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी चेयर पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस डिक्टेटर को डांट रहे थे उस दिन में बहुत खुश थे अंसारी साहब आपसे आज बीबी आपकी मेहरबानी है और आपकी कि जो तकरीरें हैं और जो एक सियासी वर्कर के लिए सिस्टम होता है वो हम देखते हैं थे उस वजह से हमने भी उसको खड़का दिया हाँ जैसे मैं समझुम तो एक में पंज मिनट आए तो मैं समझुम तो हाँ मुझे उठन खपे सलाम आया बीबी सही यकीन कर बड़ो मुतासर कई बीबी आपका बहुत टाइम है बाप बिजी हैं बहुत बिजी जा रही थी आप मुझे टाइम दिया मैं इजाज़त चाहूँ मुझे चाहिए था आपका लंच मेरे साथ है आज अच्छा खेर तो करे यार असा जल्दी ड्रग खोड़ ठान अस वो धिका जल्दी सब सभी सही बिल्कुल आपको हमारे साथ लंच करनी पड़ेगी लंच करने के बाद आप जा सकते अंसार साहब ताना बिल्कुल इंदासी मुसरत नियाजी साहब अस मौजूद हैं मुसरत साहब तुम समझो तो बेनजीर साहब का अड़ो को सघारो आवाज पाकिस्तान के मिली सको है बीबी तो बीबी हुई ना बेनजीर सजे मुल्क के लिए मैं चाहें थी ना सजे मुल्क के लिए बल्कि एशिया के लिए बीबी वर्गो तो ना कोई अचे सो ना उन जड़ो को थो ना थो है ना उम्मीद है बीबी तो पंजे नाले बेनजीर जो उन्होंने नालो बेनजीर हो बेनजीर हुई नाले जे तौर से ही मैं तुम्हें कड़ी गाल बुधाया जी अदा जहन छो बिल्कुल यह तजाहिर गाल अदा तो उन टाइम लीडर हो अवा जो भी लीडर हो इन लाइ हो जो मैं स्टूडेंट हुई तो अदा ए आर डी जी जो तकरीबन में वेहंद हो तक गाल बुधाया अदा तवे भी खबर हुई मुझे जहन में आए या तवे जहन में होंद मुश्ताक मिर्जा हो जो एडवाइजर भी थो नसरुल्ला खान साहब की जमात जो उन घर में एक प्रोग्राम हो ठीक है उतें मुझे जहन में आए कि तुम भी हुआ या मे बी न तो थी सके पर बीबी जो जो अदा जहन पे चे उन्होंने कमिटमेंट वारी हुई कमिटमेंट मकसद यह है कि ब मिनट टे मिनट अग में मीटिंग में सभी का अग में ईंदी हुई उन्होंने जहन में को जो लेट ईंद तो चंदी आप लेट आयो टाइम का ख्याल रखा करें तो उनका बस भी अड़ा हुआ मैं तुम्हें बुधाया मुझी फैमिली में कदें भी अड़ी गाल को आई कि को माई जो है ना सियासत के ज्वाइन करें मां बीबी
के दिठो पेरी पेरी जब दिठो ना तो मां जो के ना हाने मां फर्स्ट ईयर जी स्टूडेंट हुई 88 में मां चाहे हाने बीबीजे विजन दे इंशाल्लाह हलंदा सी बीबीजे पैरोकार जे ताई जिंदगी आए पर मोहतरमा बेनी जी तमाम समय ते खोड़ औरतन जे उत्साह जो सबब भी ना जेतरी मां चवंती के मायूं आयन हाने भी तव दिसो के जेतरी भी पार्टी आयन उन सबनी में जेतरी इज्जत जेका है ना पीपल्स पार्टी जी मायून के मिलंदी रही हाने भी मिले थी उन सबनी मां रोल जेको है ना पॉजिटिव रोल बीबी शहीद जो हो तवन छो आज तवन पे छो के 27 आए मां चवंती के जन दिसंबर शुरू तो थी उन फर्स्ट यकम दिसंबर का ये तो लगे आज फर्स्ट दिसंबर का ही लगन दो आए कि आज जिको है ना 27 दिसंबर ताजो ताजो सा के हादसो लगन दो आए बेशक ता सही गाल चल के वन ये चवन दो आए बस आज ही जका है ना बीबी हम गुजरी है लगो ही ना तो कि 11 साल थी बहन बीबी के बिछड़े हां वाकई में लगन दो ही ना है 11 साल थी है नाज़रीन फिलहाल हते वक्त हुआ ज्यादा सेंटी मोमेंट्स थी वे पर फिलहाल सा वठंदा सी ब्रेक जी नाज़रीन ताकि भलीकार क्यों था आवाज़ टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन 27 दिसंबर के हवाले से शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से असा सब इतने गड थूँ नईम साहब आप जैसे अभी आपने पीपी ज्वाइन की है तो आपको क्या लगता है वैसे तो आप पहले नून लीग में थे अब सरदार साहब भी नून लीग के हैं पर देखें ये भी मोहतरमा बेनज़ीर के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव बयान कर चुके हैं और इंस्पिरेशन तो इनके जहन में पहले से थी आपने क्या सोच के पीपी में आप लोग गए और आपसे ये भी पूछना है कि वो वैसा विजन नज़र आता है आजकल पीपी के लोगों में जैसा मोहतरमा बेनज़ीर के टाइम पे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था क्योंकि बात यह कि एक अरसा दराज मैंने दिया और कराची के सदारत मेरे पास नुमाइंदगी थी यूथ की। असल बात यह कि काफ़ी एक अरसे दराज से मैं ढूंढ रहा था लीडर को जो नौजवान लीडर हो तो बहरहाल ये कि काफ़ी जगह देखा और मैं देख रहा था कोई ऐसी जमात हो जिसका विजन हो जिसकी कुर्बानियाँ हो जो होप हो इस मुल्क के अंदर। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो होप भी है और एक नौजवान लीडर भी है। दूसरी बात ये रही कि मोहतरमा के लिए क्योंकि आज 27 दिसंबर है तो एक शेर है बड़े जालिम है तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शेर के लोग कत्ल करके पूछते हैं जनाजा किसका है। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या एशिया में कहीं भी आप चले जाएँ तो हर ममालिक में एक लीडर होता है एक सियासतदान होता है। सियासतदान आपको बहुत मिलेंगे पॉलिटिशियन मिलेंगे बहसीत में खुद भी पॉलिटिशियन हूँ लेकिन लीडर जो है ना वो मायक कम जनती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर लीडर थी इस मुल्क की होप थी क्योंकि मैंने बड़ा रिव्यू किया पूरी स्टडी किया पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि शहनवाज भुट्टो से लेकर मुर्तज़ा भुट्टो से लेकर जुल्फ़िकार भुट्टो से लेकर और मोहतरमा बेनज़ीर से लेकर कुर्बानियाँ अगर किसी जमात में मौजूद हैं सिर्फ इस मुल्क के लिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जायदाद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी प्रॉपर्टियों के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी सिर्फ असासे बनाने के लिए दी सिर्फ मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब उनको शहीद किया गया था जब उनको यहाँ एक डिक्टेटर ने जब एक सज़ा देकर मैं समझता हूँ कि सज़ा के साथ मैं समझता जज़ा भी उसको दे ही दी अल्लाह पाक ने और जो उसके साथ हुआ वो भी दुनिया ने देखा है एग्जाम्पल बन गया वो खुद दुनिया के अंदर। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक अमानत दी थी मोहतरमा बेनज़ीर को वो थी पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ उस अमानत का जो मान उसने रखा जमहूरियत की खातिर जमहूरियत की हुसन की खातिर इस जमहूरियत की विजन की खातिर और इस मुल्क के अंदर लोग रहने वाले लोगों की खातिर जो होप थी जहाँ तक उसने काम किया फिर आपने बीच में देखा कि वो बीच में 5 साल तक वो जेलें भी उन्होंने देखी मतलब जेलें भी उन्होंने जो है वो देखती आई उसके बावजूद मुल्क के अंदर वो हमेशा खड़ी रहीं और इस मुल्क के साथ खड़ी रहीं। फिर आपको बस पता है कि 27 दिसंबर मेरी बहन मुसरत नियाज़ी इनके चेहरे आंसू जब आंखों से देखे तो सच्ची बात है कि साथ बैठा हुआ आदमी रियलिटी में बताऊं कि वो भी सारी चीज़ें सब निकल के आ जाती हैं सामने। मोहतरमा का जो मर्डर था जो मोहतरमा को शहीद किया गया था पूरी दुनिया के अंदर आप यकीन करें जो लोगों की नज़र लगी हुई थी खासतौर पर पाकिस्तान में तमाम सूबों में आग लगी हुई थी बशमूल कराची समेत ट्रेनों को आग लगाई जा रही थी यहाँ यर्दगुमार बना लिया था पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी
क्योंकि वो एक जो मैंने बताया अमानत ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने गम और गुस्से में थे, गम और गुस्से के अंदर भी थे, और वो लोग भी बीच में शामिल हुए जो लोग नुकसान चाहते थे इस मुल्क के अंदर। तो वो जो अमानत मुतरमा को बेनज़ीर को जो दी थी पीपल्स पार्टी की शक्ल के अंदर, वो अमानत क्योंकि जिम्मेदारी फिर आसिफ अली जरदारी साहब पे आ गई थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब छोटे थे तो हमें याद है अच्छे तरीके से जब पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, हर तरफ इंतशार फैला हुआ था। और मैं आपको बताऊं वो ममालिक जो नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे या पाकिस्तान आगे बढ़े या पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए, वो चाहते थे इस मुल्क की इस मुल्क का जो है वो खाना खराब कर दें, क्योंकि तमाम सूबों के अंदर आग थी। तो आप यकीन करें तो उस वक्त मुझे याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और उस वक्त एक आवाज दी थी और आवाज लगाई थी पाकिस्तान खप्पे, जब पाकिस्तान टूट रहा था, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान खप्पे के नारा लगाया था। बिल्कुल, बाकी बातचीत चलती रहेगी, आप बिल्कुल बात करें। खावर साहब आज 27 दिसंबर है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के तमाम पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हुई, ब दफ़ा मुल्क की वजीर आजम रही, उनकी तकरीरों में उनके अमल में तुम मुशाहिदो कयो, ठो उनके हुजन से मतलब मुल्क में कड़ी तब्दीली आई पे, मुल्क के कड़ी नवाण मिली पे, मुल्क तरक्की के दग से लथो पे, तुम मुशाहिदो रो सो मुल्क तरक्की के राह से गामजन छो पे या न पो थे, का नवाण अचे पी या न पी अचे, का तरक्की थे पी या न पी थे, छो तो मोहतरमा अग में भी ब दफ़ा वजीर आजम रही चुकी है। बिल्कुल, उनके कर उम्मीदू हुई न हुई इंहा गाल पंजी जाए थे। एकड़ी गाल जेका है तो शी वॉज द वुमेन ऑफ कमिटमेंट, वो पंजी वायदे वाली माई हुई, वायदो हुन तोड़ निभायो, उनकी कमिटमेंट आवाम सा ही, उनकी कमिटमेंट पंजी पार्टी सा ही, उनकी कमिटमेंट गरीबन सा हुई, उनके पंजे पी की वसीयत ही तो मां उन घर में रहंदुस जैंजी छत बरसात में टिमंदी है। बेनज़ीर भुट्टो वड़ी लीडर है, सजी दुनिया में सुनाती वने थी, पर वड़ी मजलूम भी है। बेनज़ीर भुट्टो सा जेतरी बेवफाई, जेतरी नाइंसाफी, जेतरी ज्यादती उनकी पार्टी कई है, एतरी कें भी कोन कई है। कराची में हुए थी, सिंध में हुए थी, 18 अक्टूबर जो वाक्य पेश अचे तो तकरीबन 200 मानू उन मारजी था वन, उनका जानसार मारजी था वन, जिनके अस बाद में इकतदार में अचने का भुट्टो के नाले से वही गड़ी खुदा बख्श में दफन कर आयासी, अस इहा भी तकलीफ बर्दाश्त न कई तो उन्हें असि रिश्ता गोल्यूं, उन्हें घर गोल्यूं, उन खानदान गोल्यूं, उन्हें मड़ उन घर तीन पहुंचाई, अस इ तकलीफ न कई से वही पा तार लाथोस उन्होंने भुट्टो चई कर दफन कर 18 अक्टूबर के वाक्य का अज दिन तीन मुसलसल 11 साल थी उन गरीबन जो बेनज़ीर के जानसारन जो बेनज़ीर त सिर सदको करण जो केस अल किथे थी का खबरचार कान्हे का खबरचार कान्हे का यार, तो बेनज़ीर से गडो दुनिया जो पैरों एक्सीडेंट हो जो अस टीवी से ऐसू पाया, एक्सीडेंट थो धमाको थो मू उतम भजदा पर ही पैरों धमाको आ जो मू धमाके वाली जायदा था भजन बेनज़ीर 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 कंदा अचन था बेनज़ीर के जे ये जानसार उन्हें जो खून कें गिची में आो सवाल है 27 दिसंबर जो बिलावल का यो सवाल है बख्तावर का यो सवाल है आसवा का तवा जी माँ जहाँ जानसार हुआ जो उन बच्चा हुआ जो उन पुट हुआ जो उन बायर हुआ बेनज़ीर तो बे ढी से दुख विसार अस्पताल पहची वही न लियारी के घिटन में पहची वही न काे वह उ मू काे उनको खून अस कें दामन से तलाश कर नंबर बे से बेनज़ीर भुट्टो मजलूम औरत है लावारिस औरत है निंदण की औरत है जैसा मुहब्बत करण के लिए हजारे मानू न पर करोड़े मानू आ बेनज़ीर की वफात का अस तो उ मानू आयु न जैसे घर में अलग केतरा ढी चुल्हो न भर सही गल हकीकत है मानी हिलाल अन हिलाल पर मानी इंदी तो जी भरल हों बगे खाई बस बाबा अम्मा बस माँ वरी कुंड में नहीं रोंदी हाँ सो गए असाई घरन में भी हकीकत है दाल एदा बीटी दी रोए बच्चा हो जा बीटी दा रोन सही इतनी लावारिस इतनी निधन की
जो उनजो कह केस भी दाखिल न कयो एफआईआर थिंदी आ मरण खा पोए एफआईआर दाखिल करा भी न करे भी आ कतल डिठा तो वाकया डिठा तो न डिठा तो बिल्कुल सही रचो बेनजीर जे लाय कह एफआईआर दाखिल कोन करई बेनजीर जो केस हलंदो रहयो बेनजीर जो केस हलंदो रहयो जे डिए ते फतवा आई उन डिए ते पीपल्स पार्टी जो एकड़ो मानु बूते कोन हो मोहब्बत है माओ जो दर्जो बेनजीर की शहादत से बिलावल फिलहाल वक्त ब्रेक जो नाजरीन असंदी ब्रेक की तरफ नाजरीन तक भलीकार क्यों असर एक तो टाइम की डी भी एडो वो है टाइम की शॉर्टेज भी है ताड़ी एक गाल करे रहा हो यूर्स भी कहो तो बिलावल चयो तो असा इन फैसले के खिलाफ वींदासी हां वो किथे यानी यार एकरो को निंदण को मानू तो मरे पियो को गरीब मिसकीन तो मरे पियो जेवट एफआईआर दाखिल करण ला पैसा न हुंदा इन जाल या जेवर खपाए वनी पुत्र जी एफआईआर दाखिल कराइंदो आ पंजे भा जी एफ आई आर दाखिल कराइंदो आ पुलिस के रिश्वत दी एफ आई आर दाखिल कराइंदो आ त सानी केस के अगते बदायो बेनजीर ते केस जी के पोवारी कई आए वकील कोनन के एतदा बेनन जी अची वे हुकूमत बेनन जी फाटे नाए अलै केदा केदा नाला बुधम ता जे पीपल्स पार्टी जे प्लेटफार्म दा वडन वडन ओदन दे पाता है जी के एक मानु वनी केस वीडियो बेनजीर जो ई बस बेनजीर देनी त जाई को नहीं यार हेडो अंधेर हेडी नंगरी हेडो जुल्म यारह साल हुकूमत के थी वे उत रावलपिंडी में उन्होंने हुकूमत हुई पर जे बेनजीर जगर कारसाज से मुआ वो भी तो बेनजीर जहाँ बचा हुआ न भुट्टे जहाँ बचा हुआ न जी भुट्टो चई कर मैदान से आया हुआ ना लाश अस पीपुल्स पार्टी झंडे में वेड़े खड़ी वे न उन लाशन जो असर कड़ो क्या मुख्य तो ईमानदारी गाल तो बुधा अड़ी अड़ी हुकूमत का तो भींग भली है यारह साल तुकूमत में रहा यारह साल हुकूमत में रहा यारह साल में बेनजीर जो जो रूह है वो पैं खून लाए तो चवान तो एतो न तड़पंद हों जो बच्चन के खून लाए ये बेनजीर जो बच्चा हुआ ये बिलावल हुआ ये बख्तावर हुआ ये मुर्तजा हुआ जी बेनजीर से कुर्बान थे बाकी घो अपसेट आया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का अदा असो भा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो विजन इसी पीपुल्स पार्टी में आयो पर ढो घो मायूस आया मायूस करी रानी के लिए मोहतरमा के लिए माओ जड़ी बेनजीर उनसाफ़ न मिली वाकई में अदी कि भला हुकूमत भी जैसे देखो तीन रही है ना इनमें कोई शक ना हुकूमत रही जी है पर मुझो भा मगर ठीक है उनजा पाँ जज्बात ना सिर्फ अदा जहाँ जज्बात मुझे सभी सजे मुल्क जज्बात बीबी से गुड पर जेका 18 अक्टूबर जो हुआ अदा पे चे उनको है ना कुछ उनकी मतलब को केयर को अड़ी गाल पान भी जख्मी हुई पर मतलब इतनी शदीद को हल्को फुल्को जख्म थोड़ा है उन काफिले में हुई त ब्लास्ट थी एकड़ो ब्लास्ट थी उनका चंद सेकेंडन का मिनटन का ब्लास्ट थो तो बिल्कुल यही जो अदा पो चे बाखुदा माओ ही मुझी दोस्त सुमेरा खुश हुई मूसा गड पेरी फेरी मुझो जो निडो भा उन ताल्लुक पार्टी से को पर चे तो मां वजा थी ना बड़े अजा तैयार व्यार थी तो चे तो अदी मैं भी आपकी जो है ना बीबी को देखने जाऊँगा तो हलो वहाँ भी मूसा गड हो जो ब्लास्ट थो ना मुझे भा जो है ना मुझे हथ का जो खिचे चे तो हल हल चे तो ना रोया थी ना बीबी आया वहाँ जी बीबी आया को ना थी वन पर मुझे भा चो कि जितरा भी शहीद थे उनके पार्टी कुछ को मतलब
उन जी केयर भी कोना फैमिली की नहीं तू इجتماई का बात कर रही है वही गलत है इجتماई देखो देखो मुझे बुदो तो सही यार बुदो तो सही अगर प्लीज बुदो तो सही पार्टी में का सोच है पीपल्स पार्टी सोच हुआ कदे काथे अदा बुदो तो सही प्लीज हमने पॉइंट ना अपना प्लीज बुदो तो सही ना उन्होंने तो कहन के नौकरी प्लाट लगा के सोच निकली वहां तो चवा उन्हें केस जो चाहते हैं बिल्कुल सही है मां इतनी गाली अदा प्लीज बुदो तो सही प्लाट में चक्कर मिलेगा ना ना मुझे गाली येड़ी गाल करे एकड़ी गाल तो एकड़ी गाल जदीद टेक्नोलॉजी जो दौर आए आई साइंस जो दौर आए उनन जी एकड़ी गाल बुदो अदा पे जो उनका बुदाना मूसा गड हुई वहां सिटी काउंसलर भी रुक्साना ठीक है रुक्साना जी जेका नंडड़ी आए अजहां ताई भी जेको है ना पार्टी उनके पढ़ाए थी उनन के उनन जी बहन जेका है ना सेकंड टाइम अदा सेकंड टाइम एमपीए थेल आए जी हाने कराची डिवीजन जी डिप्टी जीएसपी आए सो ये गाल मैंने केस का थे तो गाल केस जीती है गाल एकड़ी गाल एकड़ी माता मंगे बुधवार थी उने के घर भी देना वना एड़ी गाल वो गाल बस समाज जेके लाश तवा खणी व्या घड़ी खुदा बख्श में उनन दा पुण्य कते ने उनन दा नाला केड़ा हो ता नाला नाला लिस्ट में है सबनी दा नाला है ना एड़ी गाल कर सबनी दा नाला है लिस्ट में नाला है भुट्टो नाला है कब्र ते भुट्टो ने नहीं भुट्टो इसलिए लिखला है दा उना जो एजाज आए कुड़ो एजाज आए भुट्टो लिखला है मान ना ना ये गाल ना थी बजा बाकी सबनी गालन पाजी जाते हैं एजाज तौर ते हैं ए उना जा सबनी जा घर वारा हैं सब जा घर बाती हैं उना सबनी जी परमिशन से उते दफनन एड़ी गाल बिल्कुल काना वो जज्बा कानी दा अच्छा सरदार साहब जी तहां डठो तो उन खा पो पीपी जी हुकूमत रही बाद में नून लीग जी हुकूमत रही पर नून लीग जी तरफ खा भी एडी वडी लीडर असन जो शहीद कयो वयो उनन कोई एडो खास स्टेप न वतो छाजे लाय भला असन जी हुकूमत रुगो छो ये पांजे लाय सोचिंदी हन असन जा वडा लीडर असन जे मुल्क में शहीद ता कया वन उनन जी खबर ही कोनी तो उनन के मारण वारो केरा मां अमां जे सवाल जी थोड़ी वजाहत कया जरूर मुझे ख्याल में ख्वार साहब भी मुसा एग्री थे या न थे वनी पंज मजबी है जदी यो वाक्य थे तो पेरी फायरिंग थी हुई नवाज शरीफ साहब जे जलसे थे कारवां ते फायरिंग थी तो बीबी मिनट में चयो तो मां शाबाश मियां नवाज शरीफ सा गलण थी चाहा तो हो स्टेज ते स्पीच पे दे तो डगला सके पण चयो तो मां जी लहे तो हम असा मां ता सा गल रहूं ता पो जदी अन्या वो जलसो खत्म थियो ही त मियां साहब के मैसेज मिलियो तो बीबी साहब जख्मी थिया है तमाम ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल है मियां नवाज शरीफ साहब उतो ही सिद्धो अस्पताल में आयो को लीडर को ख्वार साहब जी एग्री तो क्या को लीडर को कार को होया चयं त नवाज शरीफ लथो कई सवाल पूछो या सब तमा आया बयान आया है पीपल्स पार्टी इशारो के कारकुन दरन मस्ताना हुंदा नी बैठो जी जाहिर चई त मुजी भेण ही ए भेण जी जी बुद्धम तमा भाव न रही सके भलो है एड़ी गाल काने तो नवाज शरीफ या सा हुकूमत उन को हटियो ते वक्त हुकूमत पर मुशरफ थियो ए हुनन जो जको जिद्दा में मुलाकात थी मियां नवाज शरीफ साहब से संदस वालद छण वही हुई उत घा दुख सुख जो हुआ वो उन्होंने पाँ उ तय क्या एक बे के माफ़ कर छो रियली तुझाया तो भेन जी शहीद थी वही तो अज ऊँह ते भी मियां नवाज शरीफ साहब भेन जी साहब के लिए एतरा अल्फाज अड़े सुने नमूने से चवन उनकी सिस्टर रियल सिस्टर हुए तुम सवाल पुछो घणो कर नईम साहब को पुछो या कें थो तो बेनजीर के वक्त की हुकूमत हाँ जो हुकूमत में कुछ फर्क है जाहिरा जो पुछो ता जी आसमान जमीन जो असंगे तो नजर अच्छी तो तने सवाल के उस नईम साहब ने नईम साहब थोड़ा गोल करयो आसमान जमीन जो फर्क है एक जीएसएन के जेके भी पार्लियामेंट्री सियासत करण वाला सर इताई शुरुआत कंदास फिलहाल वक्त थियो आई ब्रेक जो सो नाज़रीन असा जी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी आए असा इते वठंदास ही ब्रेक मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की
ناظرین آواز ٹی وی جی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے 27 دسمبر کے حوالے سے شہید رانی محترمہ بینظیر جی اساں یاریں ورسیہ جی ملائے رہے ہوں نعیم صاحب جی اسد تا گال کر رہے ہو مغال پہ کہتے ہیں کہ بھی قوم پرست پارٹی ون جی انہوں نے کہ مرکزی سیاست کرنے والا مانو یا پارلیمنٹری سیاست کرا مانو سٹھو سمجھنا ہے چنا بھائی قوم پرست فلانا نے سدھو دیشی نے فلانا نے سلام ہے محترمہ کے لاڑکانے میں ویٹھی ایکڑو جی ایس جو شوکر دوتے سے وہ بھی ڈی ایس پی کی پوسٹ وٹے سے محترمہ پڑھی تھی چھا کھپے چاہیے مجھے ڈی ایس پی کر محترم آرڈر کہ ڈی ایس پی ہو تو پیپلز پارٹی جا کھوڑا مانو ویٹھا والا لیڈر لاڑکانے جا بی بی مہربانی کرنا ہے جی ایس جو تھی جی ایس جو جی ایس جو نے کہیں نوکری بھی محترم چیز تھے کہ مجھے ماں پشو ماس تھا مجھے پانی ووٹ بجایا یہ مجھے ہلکو ہے بھی وہ سندھی ہے سندھ جو ہے سندھ کے مانو کا سامان نوکری ڈیس کے پنجاب کا نوکری ڈیندا بشور قصو ہو یہ واقعہ ہو اڑی طرح سے بے نظیر اتنے مفت میں بھی ڈی ایس پی ملن ہاں حالت یہ ہے سوال تھا جو جواب ماں پہ ڈیاں حالت یہ ہے تو ایکڑی ماستری کے لائے بھی ہوا چھوکری جگہ پاجا گاہ وکڑے تھی گاہ وکڑی اچھے 7 لکھ روپیہ کہیں گے ڈے تھی دے 7 لکھ روپیہ وٹھو ڈیمانڈ 8 لکھن جی پر 7 لکھ وٹھو ہے مکھے نوکری تو انہیں نوکری تو ملی 6 مہینہ انہیں نوکری بھی کئی کوڑے یا ڈرن تھے اور ریکارڈ میں اصول جگہ جاتے ریکارڈ رکھبا ہوتے ریکارڈ میں نالو ہی کونے سارے کھوڑ ہزار ہیں مانو جے کے در پر در ہیں کدے بھی بینے دی دور میں مکھے یاد نہ ہے تے کہ ظاہر جو جلوس ہو جے انہیں میں تشدد تھی ہو جے صحیح مکھے یاد نہ ہے تھی سکت ہو جے کو پر مکھے یاد ماں نہ پانی سیاسی لحاظ کا جا مجھے میمری یاد ہو ماں نہ ٹھو سکا ہے لیڈیز جے یہ جلوس تھے اور انہوں نے شیلنگ کیا ہو جے یا انہوں نے بجائے ٹھیک ٹھیک جو کہ بھی ہے تو میں آگ اٹکایا بھٹے صاحب جو کہڑا قصور ہو پھانسی ڈمی ہوئی چھا کیوں ہی بھٹے صاحب قصور ہو یہ تو ہوں ایٹم بم بھی بنیاد رکھو ان زمانے میں وزیر خارجہ امریکہ جو کسنجر مری بھی کسنجر چیس تو تم یہ واپس وٹھی سسٹم نہ کر چین مائی ان دی انٹرسٹ آف مائی کنٹری چیس پتو جو جو بھیانک انجام تھی تو وہ دنیا رسندی نشانے پر نشانے پر تھی وہ تھیو اچھا نمبر بھی ہو تو انڈیا میں کتری فوج آسان جی ہیں جیل میں ہوئی مجھے 90,000 قیدی ہوئی ہے 90,000 قیدی ہی ونے تو فلائے کرے تو اتے سجی جکے بھی ٹاک چاہتی سب ختم تھی ہو جا نو تھی کر گاندی اندرا گاندھی نو کی مذاکرات ناکام پہ چویس تھی تو مجھے 5 منٹ سڈ اکیلا پہ ملے 5 منٹ میں چاہے ہولو تو ہے بھی گروپ پہ وڈے پیپلز پارٹی جو ہولو کانگریس جا ویٹھا گال نہ پئی پوری تھیں تم کے 5 منٹ میں اکیلا پہ گال ہے گال ہے چھا جادو ہو چھا تلسم ہو شاہ پرسنلٹی سرکاری بھٹو صاحب جو بھی ہوئے ہو وہ بھی ٹیبل ٹاکس میں سرکاری بھٹو جو بھی نال ہوئے ظاہر انہوں جو نیانی ہوئی ہوں تو ظاہر انہوں میں بھی گٹس ہویا لازمان پانچے فادر جا چھات انہیں بھٹے پنجن دہن پنزن منٹن میں اندرا گاندھی جو ذہن چینج کرے چاہے چیز ماں ایگری تھی کہ یہاں دیکھا گیا جس اس کا تو لیڈر تو وہاں دیکھا گیا تھا کیوں نا کہ شملہ معاہدے جی گال تھا شملہ معاہدے شملہ معاہدے میں یہی گال آئے جی جی مو پڑھو آ ان کے تو گال ناکام ہوئی تو پینے ملٹری سیکرٹری کے اندرا بھٹو صاحب تو ناراض تھی ویو ہلو تو ان سے گھر کافی پی اچ ان کے راضی کرے جن مل بھٹے صاحب جی روم تے اچن تھا تو بھٹو صاحب پٹ تے ستو پہ صحیح اندرا تھی چویس تو پٹ تے ستا پہ تاکہ بیٹھ کہ میں تمہیں ملک میں آیا مجھے 90,000 قیدی ان وقت تمہارے جیلن میں پٹ تے ستا پیا ماں اتنے اچھی کرے بیڈن تے سما پلنگن تے سما یہ بھٹے جو وڑ کونے صحیح ان جگہ جگہ تربیت کئی نا بے نظیر جی ان کی کر تربیت کرنے والوں کونے کو بے نظیر جی تربیت کئی ذوالفقار علی بھٹے بلاول جی تربیت جی کرے شہری رحمان جکا اساں جی شہلا رضا
जमीन दोस्त हैं सब ना 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 अदा बिल्कुल देख मुझे गाल बुदो हाने बीबी शहीद खान है भले उन्हें के शीरी रहमान कहे या जे क्वैशला कहे जो को भी मानु पीपल्स पार्टी जा ना 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 बने ना बारे जी गाल का ना बारे बारे तमा देखो ना तमा देखो ना ये ना ये एडी एडी गाल के जो खर्चो तो टाइम टाइम मुझे गाल बीबी शॉर्टली वी ब्रेक टाइम टू यू जस्ट 30 बीबी शहीद जे को है ना टाइम अपने पांच बारन सबनी ट्रेन बारन के बेहतरीन टाइम देनो जी ठीक है ना अइन जे तरबियत भी कई अइ पान भी बीबी साहिबा छयो के मां शायद इना में भी कोई बेहतरी हुई के मां जे को आना जे चाहया थी ता लंदन में शिफ्ट थी सका पर मां चाहयो के मां इस्लामी कंट्री आए दुबई मौते शिफ्ट थिया पांच बारन जी तरबियत क्या है मां भी जे को उन टाइम मां दुबई में हुई बीबी साहिबा उन्हें के कुरान एकेडमी जे लाए भी पान टाइम दियो दी उन्हें जो उस्ताद सगर दियो सियासी तरबियत तरीका बात कर सियासी जब मुझे के बीबी खाना है तो सियासी तरबियत देन वाला तो यही मौके ना मिली सगयो मौके ना मिली सगयो मौके ना शहीद थी माशाल्लाह बेहतरीन मौको मिलियो ना मोहतरमा शहीद थी वे अगर मोहतरमा हो जाना खैर शिमला सियासी के जो भी सीन है अलग फिलहाल वक्त जो आई ब्रेक जो एक ही गाल 2019 में उते शिमला में बेनजीर बाहर आए ذوالفقار علی بھٹو جو قداور سیاست دان اندرا گاندھی قداور سیاست دان بڑے سگیتا پئی وڈا نالا ہے جی کہ سر شاہ نواز بھٹو کے پٹرا کو جواہر لال نہرو دی دیا نہرو سر شاہ نواز بھٹو پنج وجا دوست رہیا ہے ریاست جوناگڑھ جو وزیر اعظم رہیا سر شاہ نواز بھٹو صحیح ٹھیک ہے کہ بھائی کا معمولی گل کنے کا انن جا خاندانی تعلقات ہیں ایک بھی ساجی کا انہی دی دوستی ہے انن جو خاندانی ریلیشن شپ ہے وہ تمام بڑی ہے बेनजीर थी चवे तो बाबा माँ भला थोड़ा शहर के चक्कर नहीं चाह बिल्कुल वन शहर दिसो घुमो फिरो इन का हसीन वादियों आन तो वहीं घुमी फिरी शिमला आने इन का चाहे तो जैमल बेनजीर वही थी ना तो बेनजीर सद एक मिनट बेनजीर तुझे बार वही थी मानन में थी वही तुझे चेहरे से खिल खुशी जहाँ तासरात न होजन छो तो असाजा 90,000 कैदी जै मुल्क में प्यान छा उते असा खिलंदा वथो जो मुनासिब को है वाह वरी बेनजीर ते बते दी वटो जे पोते एकड़ मिनट बाबा वरी चाचो मन खिलंदस ना तो जे मोते गम ए दुख जा तासुर भी ना होजन मताई चवन ते मायूस थी चुका है केरे तरपे तरे सुन एकड़ो मानू आ उने जे ज़हन ते खिल भी ना होजे खुशी भी ना होजे छा हुंदो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस हुंदो जे मान जे ज़हन ते मोते तो बेनजीर के उन्हें सो इन उम्र का वी कॉन्फिडेंस में जिनमें कें भी मीटिंग की सदारत तो करें तो जो पुठियाँ जो सेक्रेटरी वह बेनजीर के पुठियाँ विहारी जी अड़ी तस्वीरों में मौजूद काफी वीडियोस मौजूद मुसरत शायद ये नहीं समझे तो कोसा घर पीपल्स पार्टी का मुखालिफ बन गया था ना ही गाल गाल है ना मुखालिफ जी गाना है जो पॉजिटिव इश्क में आवाज था ने कहने से ऐसा है पूरा पाकिस्तान क्या कर दो मसले में दुनिया भर की बात असा मठो जो टाइम है फिलहाल वक्त है ब्रेक जो जी जी पो नहीं मेहमान साहब ने भी जरूर इंदा से नाजुन ऐसा सब गड रहे जी नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ की खास ट्रांसमिशन में अज तक भलीकार चूं था हाँ पा हल्दी साई नईम ऐवान साहब भी असा इतने मौजूद हैं ऐवान साहब बेनजीर भुट्टो साहिबा की जी शख्सियत है उन में तो तुम मुतासर आयो पीपल्स पार्टी वो विजन है अज भी वो जो विजन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे वो हो बेनजीर भुट्टो वो हो सिर्फ जो अस चूंड मंशूर ढींदा उन महदूद है या अमली तौर से दिखो है मैं पहले तो बताना चाहूँगा बहन बात करी थी कारसाज़सानी की मुझे याद है जब वो इंसिडेंट हुआ तो कई लोग सिंध में ज़ख्मी हुए मेरा घर डिस्टेंस पे था तो बहरहाल हमने सारी रात
अस्पतालों के दौरे किए, खून की वहाँ जो कमी थी पूरी की, और सुबह मोहतरमा बिलीव करें, यकीन करें, नहायत ही नफीस हमारी बेनजीर मोहतरमा जब सुबह 7:30 बजे इतना थ्रेड होने के बावजूद सुबह 7:30 बजे वहाँ अस्पताल खड़ी हुई थी आपका सिविल अस्पताल के अंदर, और कारकुनान तमाम जाली कह रहे थे कि आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये था विजन मोहब्बत का, ये था जिना अस्पताल। अच्छा कमाल ये है कि देखें, एक बात ये कि मोहतरमा जब दुनिया से चली गई ना, तो लोग, मैंने कहा ना होप थी मोहतरमा, तो लोग पार्टी के जो लोग थे या पार्टी के जो लोग नहीं थे, पाकिस्तान में हर बंदे की वो होप थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मोहतरमा चली जाएंगी तो आने वाली जो जमात होगी बेनजीर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अमानत थी जरदारी साहब के हाथ में गई, और लोग ये कहते रहे कि 5 साल तक आसिफ अली जरदारी ने कुछ नहीं किया। आप यकीन करें, मैंने कहा ना मैं कोई विजन देख कर आया हूँ, तो मुझे याद है, यकीन करें कि जो जो आइन का हाल करके दिया था मुशरफ ने, सबसे पहले पीपल्स पार्टी का पहला विजन ये था और ऑब्जेक्टिव ये था कि आइन को बहाल करें। जब आइन को बहाल किया तो हमें याद आ गया 12 मई, जो 12 मई तोहफे में दे दिया, तो 12 मई के मामला से निकले, अकबर भुट्टी वाले मामला सामने आ गए, फिर लाल मस्जिद वाले मामला साथ में सामने निकल कर आ गए। तो इसी तरीके से ये ड्रोन वाले जो मामला थे, रोज ड्रोन आते थे, पाकिस्तान का खाना खराब करते थे, तो यकीन करें कि पीपल्स पार्टी ने इक्तदार में जब रही तो अच्छे से, मैं कहता हूं आसिफ अली जरदारी ने बहुत अच्छे से इस मुल्क की खिदमत की 5 साल, लेकिन लोगों को नहीं पता कि जो हुलिया मिला था इस आइन का, जो पाकिस्तान का। दूसरी बात की रही, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं इस पार्टी में क्यों आया हूं, मैं आज आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की, मैं बात मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, नाराज होते हैं, लोग फिर मिल भी जाते हैं, लोग चले भी जाते हैं और जुड़ते भी हैं और बढ़ते भी हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो इस वक्त, मैं समझता हूँ कि मैं 11 साल तक लगातार इक्तदार में रहने के बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब माइग्रेट करके मेरे बड़े या सिंध के अंदर आए तो समंदर देखने नहीं आए थे, सही ना, समंदर में नहाने आए थे, ये रिज़्क की तलाश में आए थे, रोजी रिस्क की तलाश में आए थे। आज केपीके से भी लोग कमाने के लिए सिंध में आते हैं, और ये विजन है पीपल्स पार्टी का। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कुर्बानियां हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो काम है जो सामने निकल के आ रहे हैं। आज केपीके से यकीन करें कि आज वहां से समझ लें मोची भी आता है इसी सिंध के अंदर कमाने के लिए, इस कराची में कमाने के लिए, आज मूंगफली वाला भी, कारपेट वाला भी, ट्रांसपोर्टर भी, सब भी मतलब। पंजाब के लोग भी सिंध के अंदर आते हैं। इस रीजन को देखते हुए, इन कुर्बानियों को देखते हुए मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं मोहतरमा के बाद, आसिफ अली जरदारी के बाद, इस वक्त अगर कोई होप है तो वो बिलावल भुट्टो है, और इंशाल्लाह ताला जो कमी कोताहियां रह गई है वो आप देखते जाए इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये तो जाहिर सब दुआएं कर सकते हैं, जाहिर पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा हो। अच्छा मैडम जी, तहां जैसा गाल कहूं तो तहां भी पीपल्स पार्टी से अटैच आए हुए हैं, तहां के तो काफी ऑफर्स भेजे गए था अभी, पर तहां जो इश्क आ पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी में जो बुलावल भुट्टे जो जिक्र हली रहा है, बुलावल भुट्टे साहब में तहां के लगन तो आए तो पांजी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वांगुर आवाम में गल निकरंदा, जे हो तो रेड़ी ता पकोड़ा भी खणी करे खाईंदी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल साहब के दिसू ता आवाम जी विच में जो अजे ते नजर ना आया आवाम जी विच में असा के अदी अदी मां के एक गाल बताए जहाँ भुट्टो साहब के फांसी थी उनका पोए यहाँ पाकिस्तान जी मानू यहाँ ही आवाम जो है ना बीबी के लिए बीबी शहीद के लिए भी यही चवंदी हुई हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म थी वी है हाँ जो नालो भी केर को वो बेनजीर साहिबा जनाल आई ठीक है उनको माँ आदा जी गाल एडमिट थी क्या जो उस्ताद हों उनो उनमें फेल हों पर इनमें को शक ना है कि बीबी साहिबा इनकी जो है परवरिश पैरी परवरिश गा माँ ही है ठीक है ना अमन उनकी परवरिश कल है बिलावल साहब जी भी इनशाला इनशाला एक टाइम इंदो इनशाला तुम दिसो या बीबी साहिबा वांगुर ही इनशाला उनके नक्शे कदम से हले बिलावल साहब यहाँ ही कम कौन जहाँ बीबी साहिबा कम पाकिस्तान जी अवाम जे लाए कियो है आई कंदा सी इंशाल्लाह आई मुखे दा दुआगो आयो आई हन जे लाए भी मां तवा सबनी के चवंदी आई पुजे सब जेका करोड़न मानू तवा जा प्रोग्राम भी दिसन था आई बीबी जी आज शहादत जो दी आए तमा तवी सबना जी सबनी जे करे तवा सा भी आई पानी अवाम सा भी यही रिक्वेस्ट थी क्या सबनी के जेको है ना दरूद पाक आई कुल शरीफ पढ़े बीबी के यह ही कंट्रीब्यूट था क्यों यह ही उनकी अजमत के सलाम यह ही आए कि उनके लिए स्पेशल दुआ घुरूँ अल्लाह पाक उनके दर्जात के बुलंद करे जो ठीक है यही चवे सकती शहीद रानी के लिए
ऐं असां इहो चाहींदासीं त पीपल्स पार्टी मां असांजी इहे उमेदूं आहिनि त उहो शहीद राणी जो जेको विजन आहे न हुनखे अॻियां खणी करे हलनि। सर जी त प्रोग्राम जो टाइम बि जी चवंदुसि, बिलावल भुट्टे में उहा क्वालिटी आहे जेका हुनजी माउ में हुई, जेका हुनजे नाने में हुई। तव्हां ॻाल्हि कई त अवाम में न मिलियो आहे, न मिलियो आहे। लाड़काणे में हुन पंहिंजी गाॾी रोके करे पकौड़ा बि वरिता आहिनि, त रेड़नि ते बीह करे नारियूं बि वरितियूं आहिनि, अवाम सां मिलियो बि आहे। ऐं रुगो असांजो न पर आलमी मुबसरनि जी बि इहा राय आहे त जेका 2018 वारी इलेक्शन आहे उन में जेको फज़ीलत भरियो रोल रहियो आहे, फज़ीलत भरियो किरदारु रहियो आहे, गार गंद खां पाक जेको किरदारु रहियो, जंहिंमें कंहिंजी बेइज़ती इंसल्ट न करण वारो जेको किरदारु रहियो, जेको इंतिहाई शाइस्तगी ऐं फज़ीलत भरियो किरदारु रहियो, उहो बिलावल जो। उन खां पोइ जेका क़ौमी असेंबलीअ में हिन वक़्त ताईं जेके तकरीरूं थियूं आहिनि, लान तान वारी ॻाल्हियुनि खां हटी करे, ॾोरापा ॾुख ॾियण खां हटी करे जेको हिकिड़ो विजन ॾिनो आहे, उहो बिलावल ॾिनो आहे। उन जे करे ॿिए कंहिंखे न, पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप खे, पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि खे बिलावल ते ट्रस्ट करणो पवंदो ऐं बिलावल लाइ हिकिड़ो वैक्यूम पैदा करणो पवंदो, बिलावल खे अॻिते आणणो पवंदो। बिलावल में सभई ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिकिड़े फज़ीलत वारे माण्हू में, फज़ीलत वारे लीडर में, फज़ीलत भरे इंसान में थी सघनि थियूं, उहे सभई बिलावल उन्हनि ॻाल्हियुनि खे पूरो कयो आहे। त हिन ॾींहं जी इहा तक़ाज़ा बि आहे ऐं बिलावल खां मां अॼोके ॾींहं ते हुनखे इहो हुनजी पंहिंजी कयल ॻाल्हि यादि ॾियारींदुसि तव्हांजे प्रोग्राम जे थ्रू, त जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो केस जी फतवा आई त तव्हां इहो बयानु ॾिनो हो त असां अमा जे केस खे कोर्ट में अपील में वेंदासीं। बेनज़ीर जे केस जो कुझु न थियो आहे, ख़ुदा रा बेनज़ीर जे केस जी मालिकी कयो। सर जी प्रोग्राम जो टाइम बि त असांजो सेशन कंप्लीट थियण वारो आहे, तव्हां अगरि कुझु मैसेज ॾियणु चाहियो या कुझु चवणु चाहियो। सर मां खार साहिबु जीअं चयो त भुट्टो साहिबु हेठि सुतो पियो हो, त उन ते बि कंहिं शाइर चयो आहे, आउं कीअं सेज सुम्हां मुंहिंजा माण्हू वॾा पटड़े पद सुम्हां। लतीफ़ सरकार, लतीफ़ साहिब जो आहे, त मां हुनजी वज़ाहत बि कयूं पियुमि ऐं शेर बि मां इहा शेर जो कुंवार साहिब जे हवाले कयां थो। नंबर ॿिए में त हीउ मुल्क जेको आहे असांजो मुल्क ग़रीब आहे, सादा माण्हू मारू माण्हू जांगीअड़ा पांधीअड़ा हुननि खे जेको माण्हू थोरो लाइन ॾिए थो त हुनजे पुठियां भॼी वेंदा न रहंदा था अञा। भई बेनज़ीर साहिब जी जेका शख़्सियत आई आहे उहो त मुश्किल आहे जो पूरो थी सघे, या भुट्टे साहिब जी शख़्सियत आहे जो मुश्किल आहे जो पूरो थी सघे। बाक़ी असां त उन्हनि जे लाइ पीपल्स पार्टी वारनि लाइ दुआ घुरी सघूं था, मौजूदा क़यादत लाइ दुआ घुरी सघूं था, अलाह हुनखे हिदायत करे ऐं उहे इन्हनि मुल्क जे माण्हू अहिड़नि साॻियूं अहिड़नि की ॿियो कुझु न त तालीम आहे जेको आहे हेल्थ जो ख़्यालु रखो, तव्हांखे अस्पताल में रेस्पिरो बि कान थी मिले, बुनियादी ज़रूरत आहे, बुनियादी ज़रूरत जो पाणी आहे, माण्हू मरनि था पिया थर जा, थर जा माण्हुनि लाइ लतीफ़ चयो आहे साॻी अहिड़ा माण्हू असांजे लाइ त कोन चयो शहरनि में कलाकनि में रहनि था, रहंदा हली कंदा थर वारनि लाइ, कोस्टान वारनि लाइ, अठ थर वारनि लाइ चयो अथई। अच्छा नईम साहिबु, हाणे ॾिसंदो टाइम बि त आपको क्या लॻे रहियो आहे की बिलावल साहिबु मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रूप को अपने आप में जस्ट कर लेंगे, वैसे नजर आए रहे फ्यूचर में हमें? देखिए मैं देख रहा था कि 34 साल की मुहतरमा बेनज़ीर ने पहली हुकूमत जब संभाली थी, एशिया में पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और मुझे याद है कि जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो उस वक्त वहाँ इलेक्शन हुए थे और यूनियन की एशिया की पहली वज़ीर आज़म नहीं थी खातून वज़ीर आज़म, इससे पहले तो मुझे याद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त वो क्योंकि डिग्री कर रही थी जर्नलिस्ट अपना सियासत के अंदर, तो उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तो वो लीडर वहाँ बनी थी और वो सदर बनी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सारी वो चीजें हैं जो थी पॉलिटिक्स। इसी तरीके से अगर मैं बिलावल भुट्टो की बात करूँ ना, तो अभी आप बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो दुकान से पकौड़े में लेकर आता, मैं आपको बताऊँ आपने देखा होगा ड्यूरिंग इलेक्शन सिंध के दोनों पर बिलावल भुट्टो खुद गया है, और अभी गिलगित गया, गिलगित के दोनों पे खुद गया, पंजाब के दोनों पे वो खुद निकल रहा है। और वो जो कमी कोताही थी मैंने कहा ना, वो बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह कंप्लीट करेगा, जो विजन है पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले वक्तों के अंदर एक वाइज जमात है पीपल्स पार्टी जो होप है ये ऊपर के सामने आ जाएगी।
चलो तांजी वडी वडी मेहरबानी नाज़रीन तांके बुधाई ना हलऊ त हाने थोड़ी देर में असांजी आवाज़ टीवी जी ट्रांसमिशन त हली रही आहे तांके जॉइन कंदा इम्तियाज़ मीर ऐं अनीला तांसां गॾु हूंदा ऐं नाज़रीन वेंदे वेंदे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवणु चाहींदमि त हमेशह हर माण्हू काई न कोई मक़सदु रखंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी में पर हिकिड़ी नंढी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदमि जिते मां पंहिंजो मक़सदु आहे त इंसान कोई बि हुजे जियो त ऐसे जियो कि हर कोई दुआ करे मरो त ऐसे मरो कि दुश्मन बि सलाम करे इहो मक़सदु हुजे जी अल्लाह हाफ़िज़।